कृष्ण। आज का टॉपिक है आज शाम की उनके दिल की बातें। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। दो डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है आपके साथ कुछ कार्ड्स रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। और अगर कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो प्लीज रिमेम्बर ये रीडिंग किसी और के लिए है। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ वैंड्स का। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। बहुत ज़्यादा हेवी बर्डन के तरफ ये पर्सन अपने आप का झुकाव महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके इनके रास्ते में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनका सामना अब तक ये करते आए हैं, लेकिन एक के बाद ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, जिस वजह से ये सोच रहे हैं कि आखिर कौन सा ऐसा पर्सन होगा जिसकी ज़िंदगी में इस तरह की प्रॉब्लम की लाइन लगी होगी। तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी भी है, उनको हालात के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है इस हालात की वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से आपसे ये दूरियां हैं वो उन्हें और भी ज़्यादा सता रही हैं। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे तो ये बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जैसे इस पर्सन ने हार्ट के ऊपर क्रॉस बना के रखा है कि नहीं, मैं अपने दिल के जज्बात नहीं एक्सप्रेस करूँगा, वैसे ही ये अपने आप को रोक रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा दर्द है, तकलीफ है, और आप कह सकते हैं एक पेन का हर्टफुल एक फील वो महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा किसी की बातों का बुरा लग गया है। ये उनके घर वालों में से भी कोई हो सकता है, या फिर इन जनरल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कुछ कनेक्शन भी नहीं होता, फिर भी वो बेवजह कुछ भी किसी को भी कह देते हैं। वैसे ही शायद हो सकता है किसी की बातें इनके दिल को चोट पहुंचा गई है। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जहाँ तक बात आ रही है प्यार की, तो प्यार को लेके जब भी ये सोचते हैं इनको सुकून ज़रूर महसूस होता है। यहाँ पे आप देख सकते एक छोटा सा डव है, तो वैसे ही ये चाहते हैं ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो, लेकिन वो प्यार की हो, मतलब और करियर बाकी की बातों के बारे में ये नहीं सोच रहे हैं। नेक्स्ट है हाई प्रिस्टेस, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी उनको महसूस हो रही है, यानी कि हो सकता है आप भी अपने पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद आप भी इनको उन सब तकलीफों से बचाने के लिए अपने हालात नहीं बयां कर रहे, तो थोड़ी सी आपकी भी फिक्र हो रही है इनको। फिर है 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। डिसीजन मेकिंग चल रहा है, जैसे यहाँ पे ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है कब ये जहाज़ आएंगे, और शायद उन जहाज़ों में ये बैठ के कहीं पे जाने वाला है, या फिर इसका ज़रूरी सामान वो जहाज़ लेके आने वाले हैं। वैसे ही वेट एंड वॉच की एनर्जी में काफ़ी वक्त से हो सकता है आप दोनों भी रहे हैं, लेकिन अब इनको लग रहा है कि हालात नहीं बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से अपने हैप्पीनेस को पाने की, और इसके लिए क्या हो सकता है इसके बारे में सोच विचार चल रहा है। फिर है 5 ऑफ पेंटेकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये दोनों ठंड से ठिठुर रहे हैं, बर्फ गिर रही है, लेकिन इनको एहसास हो रहा है अंदर की तरफ इस घर में लाइट है, मतलब कोई तो यहाँ पे रहता होगा। अगर यहाँ से कोई इनको देख ले और आवाज़ दे के इनको आगे बुला ले, तो हो सकता है इनके कुछ जो दिक्कतों के रास्ते हैं उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाए, यानी कि थोड़ा वक्त अगर ये वहाँ पे लाइट में या फिर ठंड से बच के ज़िंदगी में गुजार दें, तो इनको आगे के रास्ते में चलने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकती है। लेकिन ये उनकी सोच है, अब यहाँ से घर में कोई झांक रहा है, झांकेगा, उसकी नज़रें इन पे पड़ेगी कि नहीं, ये पता नहीं। तो वैसे ही ये सोच रहे हैं कि कौन है ऐसा जो मेरी ऐसी हालात में हेल्प कर सकता है, या फिर काश
मेरे घर में से या फिर फैमिली में से कोई मुझे हेल्प करने के लिए आगे आ जाए। कई बार हम अपने जो दिल के मसले होते हैं वो घर वालों को नहीं बताते, लेकिन हमें लगता है कि उनको अगर हमारे बारे में सब कुछ पता है, यानी कि वो हमारे एक्सप्रेशन से भी समझ जाते हैं कि कुछ तो हो रहा है या चल रहा है इसके दिलो दिमाग में, तो वैसे ही ये चाहते हैं कि वो लोग इनकी बातें नोटिस करें और खुद सामने से इनको मदद के बारे में पूछें। फिर है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे घोड़ा भी तेजी से दौड़ रहा है, ये पर्सन भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से ये आसमान में देख रहा है। वैसे ही शायद ये ऊपर वाले से थोड़ा सा नाराज़ हैं, कुछ सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है लेकिन अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो ये बातचीत या फिर ये छोटा सा कॉन्वर्सेशन आप कह सकते हैं ऊपर वाले से इनका चल रहा है। फिर है कॉम्पिटिशन, समून करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे उनको लग रहा है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का तो कॉम्पिटिशन चलता ही रहता है, यानी कि हर एक ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को आप कह सकते हैं कि कंपटीशन में काउंट करता रहता है। वैसे ही इनको लग रहा है कि इनको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कई सारी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका मतलब ही है करियर फ्रंट पे शायद किसी का प्रमोशन इनसे पहले हो रहा है, बल्कि इनका होना चाहिए था। तो ऐसी जो बातें हैं इनको डिसअपॉइंटेड कर रही है, लेकिन ये खुद को समझा रहे हैं कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। फिर है इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रूथ। यहाँ पे जैसे ये अपने ख्यालों में खोई हुई है, इसको लग रहा है कि ये पीछे जा रही है लेकिन पीछे आईना नहीं है, ना ही ये आईने से आगे बढ़ रही है। वैसे ही आपके पर्सन जो है वो ख्याली पुलावों से तंग आ चुके हैं, यानी कि वो जो भी ज़िंदगी जीना चाहते हैं वो सिर्फ रियलिटी भरी हो या फिर उनके रियल सपनों को पूरा करने वाली हो, ऐसा उनको लग रहा है। और ये होगा कब इसको लेके सोच रहे हैं। फिर है फ्रेंडशिप, नर्चर द रिलेशनशिप। तो आपके साथ अगर इनका फ्रेंडशिप का रिश्ता था तो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन भी चाहते हैं, और कैसे इस रिश्ते में आप दोनों मोर देन फ्रेंड्स एक दूसरे के करीब आ गए इस बात के बारे में सोच रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के साथ हो सकता है जिनके साथ इनकी अच्छी बनती है, मे बी उनके साथ कुछ और ये बॉन्ड डीपन गहरा करवाने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि उनकी अगर इन्होंने कभी हेल्प की है तो इस बार ये उनसे भी कुछ उम्मीद कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेवन हेवनली वर्चूज, कीज टू गुडनेस। तो यहाँ पे आसमान से ये विश मांग रही है और जैसे अपने हैप्पीनेस को चाह रही है, वैसे ही आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो ऐसा चाह रहे हैं। फिर है चिल्ड्रन, नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड। ये कार्ड बताता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी एक दूसरे से सेपरेटेड है, यानी कि शादीशुदा है फिर भी सेपरेशन चल रहा है, और उनको अपने बच्चों की फिक्र हो रही है क्योंकि दोनों के झगड़े में शायद बच्चों के कुछ बातें आ रही हैं। तो ऐसा अगर किसी के साथ मसला है तो यहाँ पे ये बस यही सुनना चाहते हैं कि बच्चे ठीक है, यानी कि उनकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही है जिस वजह से ये अपने पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन चाहते हैं, अगर ऑलरेडी दोनों मैरिड है और किड्स है तो। फिर है लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। तो यहाँ पे लेट गो करने का उनका मन कर रहा है, यानी कि अगर कोई झगड़ा भी हुआ है, कोई तीखी मीठी नोकझोंक हुई है, तो उसको भी लेट गो करना चाहते हैं और बस इनको दूरियां मिटानी है इसके ज़्यादा, और ये कुछ नहीं सोच रहे हैं। फिर है ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। तो यहाँ पे जैसे ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी होती है, ये ज़िंदगी का हर एक लम्हा सही तरीके से जीना चाहते हैं, यानी कि ये आपको भी सफ़र करते हुए नहीं देख सकते, ना ही ये खुद भी घुट घुट के जीना चाहते हैं। अब ये होगा कैसे इसी के बारे में कुछ प्लानिंग चल रही है। और फाइनल कार्ड है ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। तो जो भी सपने इन्होंने आपको दिखाए हैं या फिर आप कह सकते हैं आप दोनों ने मिलकर जो भी सपने देखे हैं, ये उन सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं, या फिर आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो हमारे सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। शायद यही बातें वो आपसे भी सुनने के लिए बेकरार है और यही सब बातें दिलो दिमाग में चल रही हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।